हेलो, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में इतना दर्द कि जानकर कोई भी इमोशनल हो जाए। इस हंसती हुई महिला का सुसाइड से पहले यह आखिरी वीडियो है। अपने परिवार को वीडियो भेजने के बाद इस महिला ने नदी में छलांग लगा दी। वजह जानकर आपको भी काफी गुस्सा आएगा। इस महिला का नाम है आयशा। सुनिए सुसाइड से पहले आयशा ने क्या कहा। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से, कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना, ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्ला से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफ़ी है, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। इस वीडियो में आयशा के सुसाइड के पीछे का दुख साफ छलकता नजर आ रहा है। यह मामला गुजरात के अहमदाबाद का है। आयशा ने 25 फरवरी को साबरमती नदी में सुसाइड किया था। आयशा ने सुसाइड से पहले अपने पेरेंट्स को भी फोन किया था। पेरेंट्स ने समझाने की कोशिश की लेकिन आयशा नहीं मानी। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा, निकल जा। कहाँ पर है तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। आज मैं मोंटू को भेजता हूँ। हेलो, सुनो। हाँ, मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा। देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। बहुत हो गया ऐसा कार करने से, तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं को मॉम बस हुआ, बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पाने में कूदना है। मैंने कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी दीजिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलते तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस ना ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं बड़े जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी।
वीडियो भेज दी। अब मैं मरना चाहती हूँ मम्मी, थक गई हूँ यार लाइफ से, इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक ऐसे हूँ मैं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाता पापा कल जालौर जाते। नहीं पापा, अब लेट हो गया, पापा लेट हो गया, लेट हो गया। पापा कल जा रहे हैं तो कल लेट हो गया उसको। बेटा तू शांति रख। जी मैंने अब नहीं जीना। सोनो अब नहीं जीना बेटा। सोनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनेगी पहले? इसे नहीं लाना मेरी लाइफ में तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे। मैं जा रहा हूँ कल जालो। मेरे को खाली मेरी ले, मेरी बात सुन ले बेटा। क्या तूने सुना ना मेरा? नहीं यार, तकलीफ दू, कब तक तकलीफ दू सबको? मुबारक नाम है तेरा बेटा, उस नाम मुबारक तकदीर लेके नहीं आई। आयशा रदियोलो का मुबारक नाम है तेरे को। अम्मा आयशा रदियोलो की कसम है तेरे को, तू घर आएगी। बच गई तो ले जाना, बच गई तो दफन कर देना। तू मैं जालौर जा रहा हूँ। नहीं पापा, मैं जालौर जा रहा हूँ कल, कुछ भी कीमत सब सुलझा देता हूँ। बस तेरे को कलाम पाक की कसम है। देख अब बस पापा, बस तेरे को बोला ना, तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ। मैंने अब मौत करीब, अब नहीं जीना बाबा। वो दुआ ना यार, कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन, तो उससे क्या हल होगा बेटा? वो लोग मिल जाएंगे, कोई झेल नहीं जाएगा बेटे। वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा। अब मैं थक गई हूँ। मैं मोंटू को भेजता हूँ, मेरी बात सुन, मैं मोंटू को भेज रहा हूँ। कहाँ पर है तू, कौन सी जगह पर है? बता दी, रेंट पे हूँ। तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा? पापा मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी जिंदगी। सोल्यूशन है बेटा, सब सोल्यूशन है, सब सोल्यूशन है बेटा। मेरी बात सुन तू। वो बोलते केस नहीं किया था तो मैं भी सोचता। हाँ तो मैं जा रहा हूँ, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ, केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा फिर भी मेरी जिंदगी में। भी आएगा। नहीं आएगा, बाप भी आएगा। एक बार मेरे पे भरोसा कर, तू मेरी बात सुन। मैंने बहुत भरोसा कर लिया। तू घर आ जा, बस एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले। तो कुरान शरीफ की कसम है, तू को घर आ जा बेटा। अब नहीं आ बेटा, समझती क्यों नहीं है? तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको मारू, सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। समझती नहीं कोई बात को, तेरे को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है। चल घर आ जा, चल। नीचे कहा कौन सी जगह? मैं मोंटू को भेजता हूँ गाड़ी लेके, लेने आता है तेरे को। बोल कौन सी जगह खड़ी है तू? रिवर फ्रंट पे बैठी हूँ। कौन सी जगह? अपन एलिस ब्रिज के पास। हाँ है। हेलो। हाँ पप्पा। हाँ तो तू वहाँ से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ। मैं आ रही हूँ। हाँ आ जा, बाहर निकल, कलाम पाक की कसम है तेरे को। आ रही हूँ। हाँ आ जा, और मैं जा रहा हूँ कल, कल जालौर जाता हूँ मैं। आ जा तू घर आ। इस ऑडियो में आपने सुना कि आयशा को पेरेंट्स ने फोन पर काफी समझाया लेकिन वो नहीं मानी और आखिरकार उसने सुसाइड का रास्ता चुना। इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई ये आपको बताते हैं। आयशा का निकाह साल 2018 में राजस्थान के जालौर में रहने वाले आरिफ नाम के युवक से हुआ था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही वो आयशा के परिवार वालों से दहेज की मांग करने लगा। आयशा के पिता ने जैसे तैसे करीब 1.5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर उसे पैसे दे दिए, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो फिर से मांग करने लगा। आयशा के परिवार वालों ने दहेज का केस भी लगा रखा था, लेकिन आयशा की बातों से लगता है कि वो अपने पति आरिफ से प्यार करती थी और केस वापस लेने के लिए भी कह रही है। इन सब के बीच आयशा ने आत्महत्या को चुना। वो इन सब से फेड अप हो चुकी थी और एक वीडियो बनाकर अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। जब आयशा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग इमोशनल भी हुए और गुस्सा भी।
ज्यादातर लोगों का कहना है कि दहेज मांगने वाले और महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज में फिर कोई आयशा सुसाइड जैसा कदम ना उठाए।